हेलो चिल्ड्रेन वेलकम टू डीजी स्कूल ऑफ जे आज मैं आपको क्लास सिक्स का चैप्टर फोर ए सिम्बा उसके अंतर्गत जो एडवर्व है उसके बारे में बताने जा रही हूँ तो सबसे पहले आइए हम एडवर्ब का डेफिनेशन देख लेते हैं एडवर्व होता क्या है एडवर्व इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एडवर वो वर्ड है जो वर्ब के बारे में वर्ब में मीनिंग ऐड करता है उसके बारे में बताता है डिस्क्राइब्स फॉर एग्जाम्पल रोहन रनस क्विकली यहाँ पर रन्स क्या है वर्ब है तो वर्ब में एक और मीनिंग ऐड करता है क्विकली हाउ ही रन्स कैसे दौड़ता है क्विकली सो क्विकली शोज द मैनर वो रंस का मैनर बताता है इसलिए क्विकली क्या हो गया एडवर्ब हो गया दैट मीन्स क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब रंस क्विकली जो है रन्स को मॉडिफाई करता है सेकेंड एग्जाम्पल द लाइन वॉज स्टार्टिंगली क्लोज स्टार्टिंगली का मतलब होता है इन अ सरप्राइजिंग वे सो यहाँ पे स्टार्टिंगली क्या है वो क्लोज जो है वर्ब उसके बारे में बताता है हाउ क्लोज वॉज द लायन दैट मीन्स स्टार्टिंगली मॉडिफाइज द वर्ब क्लोज थर्ड एग्जाम्पल है इंस्टैंटीनियसली ही ड्रॉप्ड द कुक्स वाइफ ऑन टू द ग्राउंड इंस्टेंटीनियसली मीन्स तत्काल विदाउट डिले हाउ डिड वन डिड ही ड्रॉप इंस्टेंटीनियसली कैसे कब वो ड्रॉप किया तुरंत तत्काल तुरंत ड्रॉप किया तत्काल ड्रॉप किया सो इंस्टेंटेनियसली इज एन एडवर्ब वी सैट देयर वॉचिंग द सन गो डाउन यहाँ पे हम यदि क्वेश्चन पूछते हैं वेयर डिड वी सिट

सो बिफोर इज एन एडवर ये सारे नाव यस्टे टमोरो डेली बिफोर दीज आर समाइम सेकेंड इज एडवर्व ऑफ मैनर इट शोज हाउ और इन वॉट मैनर कैसे मैनर बताता है फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स नीटली वो कैसा लिखता है नीटली यानी मैनर बताता है किस तरह कैसे लिख रहा है इन वॉट मैनर So, स्वीटली ही एंटर द रूम क्वाइटली वो रूम कैसे एंटर किया क्वाइटली बहुत ही चुपचाप से दिक्कस द चाइल्ड स्लिप साउंडली हाउ डिड द चाइल्ड स्लीपली यहाँ पे जो एडवर्ब्स हैं नीटली स्वीटली क्वाइटली ब्रेवली साउंडली ये सारे किससे डिराइव हैं फ्राम एड्जेक्टिवस कौन सा एडजेक्टिवस है नीटली में एड्जेक्टिव है नीट स्वीटली में एडजेक्टिव है स्वीट क्वाइटली में ऑब्जेक्टिव है क्वाइट ब्रेवली में एडजेक्टिव है ब्रेव साउंडली में ऐब्जेक्टिव है साउंड तो ये सारे जो एडवर हैं एड्जेक्टिव से डिराइव्स और एंड में वी पुट एल वाई एडवर्व ऑफ मैनर नेक्स्ट है एडवर्व प्लेस इट शोज वेयर प्लेस कहा स्टैंड कहा खड़े हो यहाँ हियर गो देअर कहा जाओ वहां देयर ही स्लेप्ट बिसाइड हिस्स मदर उस वो कहाँ सोया अपनी माँ के बगल में बिसाइड अ स्नेक वीन नियर द विंडो कहा स्नेक दिखा नियर द विंडो द लिटिल लैम्प फॉलोड मेरी एवरीवेयर लिटल लैम कहाँ कहाँ फॉलो किया एवरीवेयर सो एवरीवेयर इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस सो ये क्या बताता है हियर देयर बिसाइड नियर एवरीवेयर इट शोज़ द पोजिशन ऑफ द नाउन नाउन का पोजिशन के बारे में बताता है नेक्स्ट है फोर्थ नंबर एडवर्ब ऑफ डिग्री इट शोज हाउ मच और इन वॉट डिग्री और वॉट एक्सटेंट कितना क्वान्टिटी बता रहा है डिग्री हाउ मच It is very cold today. How much cold it is? It is very cold. Yani degree Batara. Kiss extent me cold hai? Toh very cold. Very is an adverb. You are quite wrong. So quite is an adverb. This coat is much big for me. Yea degree batara. To what extent? It is much big. I am fully prepared. To what degree I am prepared? Fully. To what extent? Yeah, how much I am prepared? Fully prepared.

डिलाइटेड का मतलब होता है वेरी प्लीज सो delighted के आगे हम वेरी नहीं लगाएंगे वी डोंट से वी आर वेरी डिलाइटेड बट हम क्या बोलेंगे वी आर एप्सल्यूटली डिलाइटेड वी डोंट से वेरी but बट वी से डिलाइटेड सेकेंड है यूजलेस यूजलेस का मतलब होता है एप्सल्यूटली ऑफ नो यूज हम यहाँ इसके आगे वेरी नहीं लगाएंगे हम क्या इसके आगे लगाएंगे इट्स कम्प्लीटली यूजलेस कम्प्लीटली कम्प्लीटली यूजलेस लगाएंगे फिर इसेंशियल इसेंशियल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट हम इसेंशियल सिंपल वे में लगाएंगे जैसे एग्जाम्पल दिस चैप्टर इज इसेंशियल इसेंशियल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट इसेंशियल के आगे हम वेरी नहीं लगाएंगे अमेज्ड अमेज्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड हम क्या करेंगे ये अमेज्ड के आगे भी वेरी नहीं लगाएंगे सिंपल अमेज लगाएंगे जैसे ही वॉज़ अमेज टू सी मी एट होम ही वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज टू सी मी एट होम यानी बहुत ही एक्सट्रीम एक्सट्रीम बोलते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंट जैसे कभी बोलते हैं ना वेदर एकदम एक्सट्रीम पॉइंट में है मतलब बहुत ज़्यादा है तो एक्सट्रीमली एंड वेरी मोर और लेस ये लोग ये थोड़ा सा सेम ही होते इसलिए वी डोंट यूज वेरी इन फ्रंट ऑफ अमेज नेक्स्ट है एडवर्व ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर फाइव है इट शोज हाउ ऑफन अ थिंग इज डन यानी फ्रीक्वेंसी कितने बार वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है फॉर एग्जाम्पल ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट ऑलवेज मतलब हमेशा तो यहाँ पे ऑलवेज क्या हो गया एडवरव ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ ऑफन ही ट्राइज ही ऑलवेज ट्राइज ही नेवर कम्स टू प्ले यानि कब वो नहीं आता है नेवर कब वो आता है नेवर ही नेवर कम्स फ्रीक्वेंसी बता रहा है ही ऑफ़न मेक्स मिस्टेक्स ऑफन मतलब होता है प्राय तो ये भी फ्रीक्वेंसी बताया है ऑफन माई सिस्टर कम्स टू सी मी समाइम्स ये फ्रीक्वेंसी है हाओ ऑफ़न शी कम्स समटाइम्स कभी कभी द बस डजेंट यूजअली स्टॉप हियर यहाँ पे यूजअली मतलब प्राय तो यूजअली क्या है यहाँ पे एडवरव ऑफ फ्रीकुनसी है सो दीज आर देर ऑलवेज नेवर ऑफ़न समटाइम्स यूजअली द दीज शो हाओ ऑफ़न द वर्क इज़ डन बाई ए नाउन यानी फ्रीकुंसी कितने बार नाउन ने ये कार्य किया है

फर्स्ट वन इज ही ब्लाइंडली बिलीव्स इन मी ब्लाइंडली यानी किस तरह बिलीव करता है ब्लाइंडली सो so, ये क्या हो गया एडवर्व ऑफ मैनर ब्लाइंडली इज एडवर्व ऑफ मैनर मतलब हाउ ही बिलीव्स इन मी ही ब्लाइंडली बिलीव्स इन मी दैट मीन्स दिस एडवर्व ब्लाइंडली इज डिराइव फ्राम एडजेक्टिव ब्लाइंड जो एडजेक्टिव ब्लाइंड है उससे ये वो डिराइव होता है ब्लाइंडली ना सेकेंड इज रिया विल कम हियर इसमें एडवर्व कौन सा है यस हियर राइट सो ये कौन सा एडवर्व है एडवर्व ऑफ प्लेस रिया विल कम वेयर हम क्वेश्चन जब पूछेंगे एडवर्व प्लेस में वेयर सो हियर जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे वेयर तो हियर देयर बिसाइड नियर ये सारे आएंगे शी सिंग स्वीटली हाउ शी सिंग्स कैसे वो गाती है sweetly so this is adverb of manner so it is derived from the adjective sweet number four hai, he slept beside his mother yapi adverb hai? beside What is beside kaunsa adverb kaunsa kind of adverb of place where where he slept ya where did he sleep beside his mother so a adverb of place hai. i have never written a story यहाँ पे कौन सा एडवर्ब आया नेवर और ये कौन सा एडवर्ब हुआ यदि हम क्वेश्चन पूछेंगे हाउ ऑफन ही हैज़ हैज़ रिटन रिटन ही नेवर सो ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मैरी वॉज क्वाइट सरप्राइज टू सी हर फ्रेंड्स बिहेवियर क्वाइट डिग्री बता रहा है एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी कि वो डिग्री जो बोलता है ना कितना सरप्राइज है हाउ एक्सटेंड टू वॉट डिग्री टू वॉट एक्सटेंड सो शी वॉज क्वाइट क्वाइट हो गया एडवर्व ऑफ डिग्री आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे यहाँ पे कौन सा एडवर्व है यस्टरडेस yes. और जब क्या क्वेश्चन पूछेंगे वेन डिड ही मीट एन ओल्ड फ्रेंड ही मेट एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे ये क्या हो गया एडवर्व ऑफ टाइम रामा लेफ्ट होम अर्ली टूडे ये भी क्या हो गया वन डेड रामा लेव रामा लेफ्ट होम अर्ली ये भी हो गया अर्ली इज एन एडवर्ब और ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम वी शुड ऑलवेज रीच स्कूल ऑन टाइम ये क्या हो गया हाउ ऑफन वी शुड रीच स्कूल हाउ ऑफन मतलब फ्रीक्वेंसी बता रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज वी शुड ऑलवेज रीच स्कूल ऑन टाइम सो ये हो गया सी हिज हाउस इज वेरी क्या हो गया वेरी फार मीस डिग्री बता रहा हाउ मच फार वेरी इज एडवर्न हमने देखा कि किस प्रकार हम एडवर्व का यूज करते हैं और कैसे हम ये जो फाइव काइंड यूज अपने सेंटेंसेस में करते हैं Thank you.